बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो? ठीक ठाक होंगे? कैसे होंगे? अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, फूलों की तरह खिलते रहे, मुस्कराते रहे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे खूबसूरत क्यूट से आप पर पहुँच चुका आइडिया लेके आई हूँ। सल्क भी बोल सकते हैं, शाल भी। इसमें हर किस्म की वैरायटी है, आप शाल भी यूज़ कर सकते हैं, पहुँचू भी, सल्क भी। इनकी वैरायटी इतनी खूबसूरत हैं कि आप किसी भी फंक्शन में पहन के जाएंगे, देखने वाला हैरान हो जाएगा। कोई कहेगा शाल पहनी हुई है, कोई कहेगा पहुँचू पहना हुआ है, कोई कहेगा सल्क है। इनकी अपनी अलहदा अलहदा की मंतक है, जो चाहे बोल सकते, पोचू बोलें, सर पर अपनी ही हुकूमत है। जो जैसा चाहे खुशी में अपने बोल लें, खुशी की तो बात ही कुछ और होती है। जो आप चाहेंगी, देखो ये तो कौन पोचू है, कौन पहने या आप चोरस पहने, शाल की तरह स्टाइल बनाएं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अपनी चॉइस के मुताबिक आप ख़रीदारी कर सकती हैं, और पहनने का भी आपको स्टाइल आना चाहिए। जब हम कोई अच्छी स्टाइलिश लें तो हमें तरीकाकार भी होना चाहिए। तरीकाकार हर किस्म का पहनने ओढ़ने का होना चाहिए। सलीके की बात है, जिनको सलीका हो वो मिट्टी को भी सोना बना लेते, जिनको सलीका ना हो सोने को भी मिट्टी में मिला देते। सारी बात सलीके की है। देखें कितनी प्यारी इन्होंने शाल बनाई हुई है, इसी तरीके से आप बनाएं। मैंने भी ऐसे ही तीन चार शाल बनाकर गिफ्ट करी, बहुत प्यारी विंटा उनकी। अभी जब मैं देखती हूँ उनको पहनते हुए, दिल खुश होता है और वो बहुत खुश होती हैं, कहती हैं अल्लाह हमारी आंटी ने कितनी मेहनत से बनाकर दिया, इसकी हम बड़ी कदर करेंगे। बड़ी कदर से पहनती हैं और खुश होती हैं। मैंने भी कमाल किया, बहुत ज़्यादा काम दुनिया का सीखा। हर किसी ने कहा, किसी ने कहा मेरा मर्दाना सूट सिलवा दें, वो भी सी दिया। किसी ने कहा मेरा लेडी सूट सी दे, वो भी सी दिया। पैसे कभी ना लिए, फी सबीलिल्लाह। उस वक़्त शौक़ था, शौक़ का कोई मोल नहीं, ना पैसे की तमा थी, ना कुछ। वालदे ने हर चीज़ से दिल भर रखा था, पैसे से, माल से, चीज़ से, हर एक चीज़ अता की हुई थी अल्लाह ताला ने। तो हमारा दिल चाहता था बस हम सिर्फ काम सीखें, काम काम काम, और कुछ नहीं। काम का इतना जुनून की हद तक शौक़ था, जो सीखने के बाद अब पता चला है कि कितनी मेहनत होती है। अगर आपको हमारी वॉइस और डिज़ाइनिंग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद करना, दोस्तों से शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बता देना आपको हमारी आज की वॉइस और डिज़ाइनिंग कैसी लगी। गलती और भूल चुकी माफ़ी चाहती हूँ, माफ़ी मांगना मेरा फ़र्ज है, माफ़ करना आपका काम है। माफ़ी मांग कर अल्लाह खुश हो।